एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? होप आप लोग सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो अभी सुबह के बज रहे 5 और मैं यहाँ कर रही हूँ मॉर्निंग वॉक। लगभग 1 घंटा करूँगी 6 बजे तक। और यहाँ से स्कूल नहीं गया है क्योंकि उसके स्कूल में 3 दिन की छुट्टी है इलेक्शन को लेकर। सो वो आराम से सो रहा है आज। और उसकी वैन 4:15-4:30 बजे के बीच आ जाती है। वैसे तो टाइम 4:15 का, क्योंकि अभी इतनी गर्मी पड़ रही है इसलिए अर्ली मॉर्निंग हो गई है। 6 बजे स्कूल लगती है, लेकिन वैन वाले की मतलब वो 2 ट्रिप जो है बच्चे को लेने आते हैं। तो फर्स्ट ट्रिप मेरी सोसाइटी का है, इसलिए 4:15 बजे के बाद कभी भी वैन आ जाती है। तो 1 घंटा मॉर्निंग वॉक करने के बाद मैंने चाय बनाई अपने लिए, अपने हस्बैंड के लिए, और चाय पीते पीते वैसे ही 7 बज गई। तो उसके बाद मैंने डस्टिंग वगैरह किया घर का, और उसके बाद मैंने ब्रेकफास्ट की तैयारी करी, सब्जी वगैरह चॉप करी, आटा मैंने गूंद कर रखा। और यहाँ पर मैं आज ब्रेकफास्ट में बना रही हूँ बैंगन आलू टमाटर की सब्जी। तो यहाँ कुकर मैंने ऑयल गर्म होने के लिए दिया। ऑयल गर्म होने के बाद मैंने इसमें मेथी और सूखा मिर्च का तड़का लगाया है, एंड उसके बाद उसमें मैंने ढेर सारा लहसुन कूच कर डाला है। और बैंगन आलू टमाटर की सब्जी में लहसुन ज़्यादा डालो तो ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो यहाँ मैंने डाल दिया है लहसुन कूच कर, और लहसुन जब गोल्डन ब्राउन हो गया तब इसमें मैंने सब्जी ऐड कर दिया। और उसके बाद इसमें मैंने हल्दी नमक डाला है बस, और 5 मिनट तक हाई फ्लेम पर मैंने सौटे किया इसे। और बस इसमें मैंने थोड़ी सी पानी ऐड करी क्योंकि हम लोग को थोड़ा रसेदार पसंद है। और ये फ्राई टाइप्स भी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन वो ना मुझे चावल दाल में पसंद है। ऐसे नाश्ता में रोटी पराठा के साथ ना मुझे थोड़ा रसेदार पसंद है। तो यहाँ मैं हल्दी डाल रही हूँ। हल्दी मेरी कंटेनर में ख़त्म हो गई थी, तो मैं अब क्या करूँ, कंटेनर को वॉश करके तब हल्दी उसमें फिल करूँगी। और बस यहाँ पे देखिए हल्दी नमक मैंने डाल दिया, साथ में ढेर सारा टमाटर डाला है। यहाँ मैं हाई फ्लेम पे इसे 5 मिनट सौटे कर रही हूँ, और थोड़ी सी इसमें मैं पानी ऐड करूँगी, और बस कुकर का लीड लगा दूँगी और 2 से 3 सीटी आने तक इसे पकाऊँगी। और ये सब्जी ना मेरे दोनों बच्चों को और मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, मतलब पर्सन ले लेकर खाती हूँ। और इतना सारा मैंने बनाया था, मैं सोची थी कि लंच में भी हो जाएगा, लेकिन सारा सब्जी ब्रेकफास्ट में ही ख़त्म हो गया। और बस यहाँ मैं अब बनाना स्टार्ट करूँगी पराठा। अभी मैंने शावर नहीं लिया है क्योंकि मुझे थोड़ी सी काम है, तो मुझे एक्चुअली एक जगह डस्टिंग करना है, अच्छे से प्रॉपर डीप क्लीन करना है। तो मैंने सोचा कि पहले टाइम से इन लोगों को ब्रेकफास्ट करा देती हूँ, और उसके बाद डस्टिंग वगैरह करके तब शावर लूँगी। और मेरे हस्बैंड को आज जाना है ट्रेनिंग में, तो वो ब्रेकफास्ट करके जाएंगे। और यहाँ मैंने आटा का दो रेडी कर दिया और उसे सेट होने के लिए रख दिया। यहाँ कुकर में सब्जी बन गई थी, तो मैं यहाँ पे अलग बाउल में खाली कर दूँगी। और पता है मुझे बहुत ज़्यादा ना लेजीनेस फील हो रही थी, बहुत ज़्यादा टाइट फील कर रही थी, मेरे हाथ ही नहीं चल रहे थे पराठा बनाने वक्त। जैसे लग रहा था कि कोई भी चीज़ मैं पक कर रही थी वो हाथ से छूट जाएगी, मेरे मतलब हाथ में भी इतने ज़्यादा पेन हो रहे थे ना, जैसे लग रहा था कि मैं सामान कुछ भी नहीं पकड़ पाऊँगी। अचानक से फील होने लगी शायद बीपी लो मेरा हो गया होगा। एक्चुअली मुझे बीपी लो की प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा, तो कभी कभी मुझे बहुत ज़्यादा वीकनेस लगती है। और पराठा तो मेरी बन गई, लेकिन रोटी बनाने वक्त मेरे हाथ ही नहीं चल रहे थे, ना रोटी गोल हो रही थी ना ज़्यादा फूल रही थी। रोटी फूली लेकिन एक दो रोटी जो है वो नहीं फूली थी। और यहाँ पे इसी वजह से मैंने थोड़ी मोटी मोटी रोटियाँ बनाई है। रोटी एक्चुअली मैं अपने लिए ही बना रही हूँ, मैं लंच में भी रोटी ही खाती हूँ। जिस दिन मैं रोटियाँ ब्रेकफास्ट में नहीं बनाया उस दिन मैं अगर भूख लगी तो चावल खाती हूँ, नहीं तो मेरा लंच स्किप ही रहता है। और यहाँ दोनों बच्चों को मैंने ब्रेकफास्ट दे दिया है, मेरे हस्बैंड अभी शावर ले रहे हैं। और यहाँ पराठा बनाते बनाते मैंने एक लच्छा पराठा बनाया था मीठी के लिए, उसको खाने का मन था। तो यहाँ मेरी रोटियाँ भी बन गई है, और मैं आगे आगे अभी किचन क्लीन करूँगी, अभी डीप क्लीन नहीं करूँगी क्योंकि मुझे लंच का प्रिपरेशन वगैरह करना है। और दूध वाले भैया भी आ गए थे, अभी दूध दे कर गए, तो मैं दूध बॉयल होने के लिए यहाँ पर दे रही हूँ। और दोनों बच्चे यहाँ ब्रेकफास्ट करे, और यहाँ दोनों बीच अभी भी फाइटिंग हुई है चैनल को लेकर। एक्चुअली मीठी अपना फेवरेट चैनल देख रही है टीवी में, और रियांश को देखना है कार्टून। तो मैंने रियांश को समझाया कि तुम लंच टाइम में टीवी देख लेना, अभी दीदी को देखने दो, तो वो गुड बॉय की तरह समझ गया। और जब भी मैं रियांश को प्यार से कुछ समझाती हूँ तो वो समझ जाता है। और मैंने बताया था ना कि ये सब्जी दोनों का फेवरेट है, तो यहाँ देखिए मीठी पर्सन ले रही है, और मेरे हस्बैंड को ही पसंद है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं, लेकिन वो खाते हैं और मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। और यहाँ ब्रेकफास्ट बनाने के बाद ना मुझे चाय पीने की क्रेविंग हो रही थी, तो मैं यहाँ पे अपने लिए शक्कर वाली चाय बना रही हूँ। मेरे हस्बैंड ब्रेकफास्ट करने के बाद चाय पियेंगे और फिर वो ट्रेनिंग के लिए निकलेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने शक्कर ली है, और बस मैं यहाँ पे अपने लिए चाय बना रही हूँ और आराम से रिलैक्स होकर चाय पीऊँगी। और यहाँ साथ ही साथ मैं लंच का प्रिपरेशन भी कर रही हूँ। दाल मैंने वॉश करके रख दिया, चावल मैंने वॉश करके रख दिया है,
और चाय पीने के बाद मैंने डस्टिंग वगैरह करी और उसके बाद यहाँ मैंने शावर लेके पूजा पाठ किया। और यहाँ दोनों बच्चों को स्नैक में, मिड मॉर्निंग स्नैक में मैं दे रही हूँ लस्सी, और उन लोगों को सिंपल पसंद है। आप चाहो तो उसमें ड्राई फ्रूट टूटी फ्रूटी जो होता है वो, या ऊपर से क्रीम मलाई रूह अफ़ज़ा वगैरह ऐड कर सकते हो, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। लेकिन मेरे दोनों बच्चों को सिंपल पसंद है तो यहाँ मैं दोनों बच्चों के लिए लेकर आई हूँ। अभी तो मुझे पीने का मन नहीं था लेकिन ये लोग बोले कि बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा है तो यहाँ फिर मैं अपने लिए बना रही हूँ। और मुझे लस्सी थोड़ी पतली पसंद है इसलिए मैं इसमें ढेर सारा आइस देकर बना रही हूँ। और लस्सी पीने के बाद मैंने फिर कुछ देर टीवी देखा और टीवी देखते देखते पता ही नहीं चला टाइम का, और लंच बनाने में मुझे लेट भी हो गई थी बहुत ज़्यादा। और मैंने बताया था ना कि सुबह से मेरी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही थी इसलिए मैंने ध्यान भी नहीं दिया टीवी देखते देखते कि लंच बनाने का टाइम हो रहा है। तो मैंने जल्दी से चावल दाल पहले पकने के लिए दिया, थैंक गॉड कि मैंने सारा प्रिपरेशन वगैरह कर लिया था शावर लेने से पहले। और प्रिपरेशन किया हुआ रहता है तो आपका जल्दी कुकिंग हो जाता है, टाइम नहीं लगता उसमें। तो सबसे पहले मैंने चावल दाल पकने के लिए दे दिया, चावल दाल मेरी पक गई है। और यहाँ पे मैं सब्जी के लिए बना रही हूँ कद्दू की कोफ्ता की सब्जी। कद्दू मैंने बॉईल करके रख लिया था चावल से पहले तो उसका पानी अच्छे से निकल गया है। और इसमें मैंने कद्दू में ऐड किया है बेसन, हल्दी, नमक, घर के सारे बेसिक मसाले, जीरा मरीच, धनिया का पाउडर, गरम मसाला पाउडर, सूखा मिर्च पाउडर और लहसुन अदरक का पेस्ट और चॉप किया हुआ प्याज। इसमें आप हरी मिर्च भी दे सकते हो, मैंने नहीं दिया क्योंकि रियाज को फिर तीखा लगता। और साथ इसको मिक्स करके यहाँ मैं कोफ्ते को तल रही हूँ। और एक तरफ कढ़ाई में मैं यहाँ मसाले रेडी कर रही हूँ। मैंने बताया ना कि बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी तो मैंने दोनों तरफ कढ़ाई चला दी, एक तरफ मैं कोफ्ते तल रही हूँ एक तरफ मैं मसाले रेडी कर रही हूँ। मसाले जैसे घर में आप सिंपल सारे सब्जी के लिए रेडी करते हो वही उसी टाइप से मैं रेडी कर रही हूँ। यहाँ कढ़ाई में मैंने तेजपत्ता, सूखा मिर्च, जीरा और गोटा गरम मसाला का तड़का लगाया और उसके बाद मैंने चॉप किया प्याज डाला, हल्दी नमक डाला, सौटे किया गोल्डन ब्राउन होने तक प्याज को। और उसके बाद मैंने चॉप किया हुआ टमाटर, लहसुन अदरक का पेस्ट, सारा बेसिक मसाला, जीरा मरीच, धनिया का पाउडर, गरम मसाला पाउडर, सूखा मिर्च पाउडर डालकर मसाले को यहाँ मैंने भून लिया है। बस इसमें मैं अब पानी ऐड करूँगी, मसाला जब अच्छे से भुना जाएगा ऑयल छोड़ने लगेगा तब। और यहाँ देखिए एक तरफ कोफ्ते मैं रेडी कर रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग शेप दे सकते हो गोल गोल या इस तरह से। मैंने मसाला ज़्यादा रेडी कर दिया था क्योंकि मैं कोफ्ता ज़्यादा बना रही थी तो मुझे ज़्यादा रसेदार मतलब बनाने के लिए मसाले ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए थी। लेकिन यहाँ पे सभी बोले कि नहीं आधा ऐसे कोफ्ते रहने देने के लिए मतलब पकौड़े टाइम में क्योंकि बहुत टेस्टी लगते हैं। तो यहाँ मैंने कम पानी डाला और मसाला मेरा बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो गया था पर कोई नहीं अच्छा लग रहा था। यहाँ मैंने डिप कर दिया है कोफ्ते को और बस लो फ्लेम पे इसे मैं 5 मिनट तक रहने दूंगी और कोफ्ते रेडी है, कद्दू की कोफ्ता की सब्जी। और यहाँ मैंने पापड़ भी तल लिए और आधा कोफ्ता मैंने रख दिया इसी तरह से खाने के लिए। हाँ दोनों बच्चों का मैंने लंच निकाल दिया, मेरे हस्बैंड ट्रेनिंग में गए हुए तो वो शाम में आएंगे और दोनों बच्चे लंच करने के बाद नैप ले रहे हैं। और यहाँ मैं दोनों के लिए सरप्राइज रेडी कर रही हूँ, उन लोगों को होममेड केक बहुत ही ज़्यादा पसंद है इसलिए मैं यहाँ पे उन लोगों के लिए केक बना रही हूँ। तो यहाँ पे सॉफ्ट स्पंजी एंड डिलीशियस केक बनकर रेडी हो चुका है तो इसे मैं फ्रिज में रख देती हूँ पीसेस करके।
यहाँ पर रेयांस के स्कूल से होमवर्क मिला था मदर्स डे के लिए, कुछ अच्छा सा प्रोजेक्ट बनाना है। तो मैंने उसके क्लास के अकॉर्डिंग छोटा सा क्यूट सा ये प्रोजेक्ट बनाया बुके टाइप में। रेयांस बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। और उसके बाद मेरे हस्बैंड भी आ गए थे तो मैंने चाय बनाई, मैंने हस्बैंड ने चाय पी। और उसके बाद फिर मैंने रोटियां बना ली। और यहाँ सब्जी में मैं बना रही हूँ तड़का, और इसमें बस वही बेसिक मसाला ही डालकर मैं बना रही हूँ, लेकिन ऊपर से मैं इसमें मखाने ऐड करूँगी और घर के फ्रेश क्रीम। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है इसमें। मैं कभी कभी काजू किशमिश भी ऐड कर देती हूँ, बटर ऐड कर देती हूँ, उससे भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं मखाने और फ्रेश क्रीम ही ऐड करूँगी, और बस 3 से 4 सीटी आने तक ये पक जाएगी। और फिर मैं सबका डिनर निकालूंगी, 8 बजे तक हम लोग डिनर कर लेते हैं। और दोनों बच्चे अभी ट्यूशन ले रहे हैं अपना, और बस यहाँ मैं कुकिंग कर रही हूँ। और किचन भी मैंने क्लीन कर लिया है लगे हाथ। यहाँ मैं धनिया पत्ती चॉप कर रही हूँ, क्योंकि जब दाल फ्राई हो जाएगी तो ऊपर से मैं गार्निश करूँगी धनिया पत्ती से। तो यहाँ पर देखिए किचन मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया, और ये मेरे डेली का हैबिट है, रात में मैं अच्छे से किचन प्रॉपर क्लीन करके ही सोती हूँ। तो आज का हम लोग का डिनर रोटी दाल फ्राई और साथ में स्वीट्स भी है। और यहाँ पर देखिए धनिया पत्ती से मैंने गार्निश कर लिया, और दोपहर के चावल बचे हुए थे रियांस देख लिया था तो वो जीत करने लगा कि मुझे चावल ही खाना है, उसे चावल बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ मैंने सूजी जीरा में जो है चावल को गर्म कर दिया, फ्राई कर दिया है। तो यहाँ पे दोनों बच्चों को मैंने दे दिया है डिनर करने के लिए टाइम से, उसके बाद मैं और मेरे हस्बैंड करेंगे। सो चलिए इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, आज के लिए बस इतना ही। होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद आई होगी तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, एंड पहली बार मेरे चैनल को विजिट कर रहे हो, वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब मेरे चैनल। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय।